बड़ी खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर भीषण आग लगी है। नैपकिन बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। रात करीब 12 बजे ये भीषण आग लगी। कई जिलों की दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो बड़ा हादसा हुआ है हरियाणा के रेवाड़ी में, जहां पर एक नैपकिन बनाने वाली कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बड़े दायरे में आग ने अपना तांडव फैलाया है, और यही वजह रही कि कई जिलों की दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया रेवाड़ी में, और आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। आग इतनी भीषण है कि आप देखिए काफी दूर तक ये कंपनी फैली हुई है, और पूरे के पूरे क्षेत्र को आग ने अपनी जद में ले रखा था, जिसके बाद हालात को देखते हुए कई जिलों की गाड़ियों को बुलाया गया। रेवाड़ी के साथ ही साथ आसपास के जिलों की जो फायर ब्रिगेड थी उन्हें भी बुलाया गया। और देखिए रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। कई जिलों के दमकल की गाड़ियों की मेहनत के बाद भी अभी आग बुझ नहीं पाई है पूरी तरीके से, और कोशिशें लगातार जारी हैं। और ये धुएं का गुबार देखिए कितना भीषण अग्निकांड हुआ है। तो ये हरियाणा के रेवाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात लगभग 12 बजे के आसपास एक नैपकिन बनाने वाली कंपनी में आग लग गई और तेजी के साथ ही आग फैली। हालात को काबू में करने के लिए आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, मदद ली गई, लेकिन आप देखिए यहां पर भीषण नुकसान हुआ है और कुछ भी बचा नहीं है। आग अभी भी जल रही है, अभी भी धधक रही है, और ये दो तस्वीरें बताने और समझने के लिए काफी हैं कि आग का तांडव किस तरीके से हरियाणा के इस नैपकिन की जो कंपनी है इसमें बरसा है। आप देखिए रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रात करीब 12 बजे आग लगी थी। कई जिलों की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और अभी भी कोशिशें जारी है कि इस आग को काबू में किया जा सके, लेकिन फिलहाल कोशिशें पूरी तरीके से कामयाब नहीं। हालांकि जो बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी उन पर ज़रूर काबू पा लिया गया है, लेकिन आप देखिए अभी भी आग धधक रही है, हल्की हल्की आग जल रही है, और धुएं का जो गुबार है वो पूरे इलाके को अपने आगोश में ले चुका है। और यूपी के मेरठ में भी कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में आग बुझाने की कोशिशें जारी है। गली पतली होने की वजह से आग बुझाने में यहां पर दिक्कत आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहां पर वो ये है कि गलियां इतनी पतली हैं कि गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, और यही वजह है कि आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम नजर आ रही हैं। मेरठ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी है। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, दमकल की कई गाड़ियों को भी बुलाया गया है, लेकिन आग बुझाने की जो कोशिशें हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि गलियां पतली हैं, ऐसे में दमकल की गाड़ी उस गोदाम तक पहुंच नहीं पा रही, ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरठ में ये कपड़े का गोदाम है जहाँ पर देर रात भीषण आग लग गई और इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी है। तो ये तस्वीर हम मेरठ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि दीपावली आप मनाएं, लेकिन सतर्कता के साथ मनाएं। एक बार फिर से एबीपी न्यूज की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।